17 देखिए, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट भी इनको कोलिनियर दिखाना है। हम लोग लेते हैं कि लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पर -2, 5, बी जिसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 0, 1 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -3, 2, -3 आर 3 पॉइंट्स, आर 3 पॉइंट्स। तो ये आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, हमें आपको लीनियर दिखाना, तो कोलिनियर दिखाने के लिए चलिए एक करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी बी सी और ए सी निकालते हैं। ए बी निकालेंगे तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 0 माइनस माइनस यानी +2 का स्क्वायर, और फिर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर और +-4 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा आपका 4 और प्लस का 16 यानी कि √20, ठीक है। यानी कि आ जाएगा यहाँ पर कितना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2√5, है ना जी। चलिए अब इसके बाद बी सी निकालते हैं। बी सी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ 2 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस में -3 माइनस 1 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर और फिर +-4 का स्क्वायर, सेम ही आएगा यहाँ पर भी। देखो 4 प्लस का 16 यानी कि √20 आ जाएगा 2√5। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ए सी, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, हो जाएगा 2 माइनस माइनस यानी +2 का स्क्वायर और प्लस में -3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर और फिर यहाँ पर -8 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहाँ पर कितना, 16 और प्लस का आपका आ जाएगा 64, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 80 आ जाएगा ना। तो 80 के लिए हम लोग यहाँ पे 4√5 कर सकते हैं, 4√5 कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए बी और बी सी का सम जो है ए सी के इक्वल हो रहा है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि ए जिसका कोऑर्डिनेट है -2, 5, बी जिसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 0, 1 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 2, -3 आर कोलिनियर। ये आपका कोलिनियर हो गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 80